तो यार क्या हाल है आप सबके। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो यार आज का मैं नया व्लॉग बनाने जा रहा हूँ ना, वो व्लॉग कुछ इस तरह से होगा कि हम जा रहे हैं पटाखे वाली मार्केट में, जो कि लुधियाना की सबसे बढ़िया मार्केट है। मतलब कि यहाँ पे सारे पटाखे होलसेल में मिलते हैं। होलसेल में क्या, बंदा देख के रेट लगाते हैं, जिसको लगाना होता है रिटेल लगा देते हैं, जिसको नहीं तो वो होलसेल लगाते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है, बाकी रिटेल ही लगता है ज़्यादातर। तो यार होलसेल तो जो दुकानदार है वही होलसेल लेते हैं, और कोई नहीं लेता। तो अब हम चले हैं पटाखे वाली मार्केट लुधियाना। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हो तो सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली। मुझे नहीं पता कि ये मैं व्लॉग दिवाली के बाद डालूंगा या पहले डालूंगा, फिर भी मैं आपको हैप्पी दिवाली बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मैं शूट कर रहा हूँ। आज दिवाली है 14 नवंबर 2020। तो मैं जा रहा हूँ पटाखे वाली मार्केट, बट पर्सनली मैं बताऊँगा पटाखे लेने नहीं, जस्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखते हैं, क्योंकि मैं पटाखे नहीं चलाता, मैंने 5-6 साल से पटाखे नहीं चलाए। बस क्या बताएं, मुझे थोड़ा पोल्यूशन करना नहीं अच्छा लगता, थोड़े बहुत चलाता हूँ, जस्ट एज अ जिसको बोलते हैं कि एक बार नाम कर दिया कि हाँ हमने दिवाली मना ली, 2-3 पटाखे चला के। ओके तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। तो यार आज का जो व्लॉग है ना, वो मैं अपने DJI Osmo Action में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। DJI Osmo Action इसलिए जरूर किया है क्योंकि आज इसकी क्वालिटी भी चेक हो जाएगी और पता चल जाएगा कि ये कैमरा कितना पानी में है। फर्स्ट व्लॉग है मेरा DJI Osmo Action पे, तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं बाद में डालूंगा। पहले तो यार इसकी वीडियो की क्वालिटी चेक करेंगे कि कैसी है कैसी नहीं। तो अब स्टेबलाइजेशन भी चेक हो जाएगी, साथ साथ रॉक स्टडी ऑन है। और आपको दिखाते हैं अभी जो लुधियाना की पटाखा, क्या कहते हैं, पटाखा मार्केट किया, पटाखा मार्केट जा रहे हैं लुधियाना की, तो कैसी है कैसी नहीं आपको इस वीडियो में बता देंगे। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नॉर्मल सी चीज़ें बताऊँगा, तो आप देख लेना इस वीडियो में। तो अभी करते हैं अभी स्टार्ट। भाई उधर से धुआं आ रहा है, वहां पे धुआं आ रहा है यार, देखो आपको पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं। और ये पटाखा मार्केट लुधियाना की, रश देखो कितना है यार, रश। क्या ना, हाँ सही कहा। और ये लुधियाना की सब्जी मंडी, मैं मास्क पहना हुआ है, आवाज़ शायद कम है इसमें, पर ये है लुधियाना की सब्जी मंडी। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये सुविधा सेंटर जो कि हमारी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, पंजाब की गवर्नमेंट ने, आधार कार्ड के लिए। और किधर जा रहा है भाई, क्यों सेंटर? तो ये देखो यार कितनी सारी बाइक्स लगी हुई हैं यहाँ पे, इतनी बाइक्स और कार्स, देखो सब पटाखे लेने ही आए हुए हैं। हमारी पंजाब पुलिस, और ये हमारे पंजाब पुलिस वाले थे सारे, ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे। देखो यार कितना रश हो रखा है यहाँ पे। ये मार्केट है पटाखों की, और वहाँ से शुरू होके ये जाती है वो लास्ट तक, और सारी पटाखों की दुकानें हैं। देख रहे हो रश कितना है, और कितने लोगों ने मास्क नहीं पहना, और कोरोना का सबसे ज़्यादा डर ऊपर से पोल्यूशन पटाखों की वजह से। चलो कोई बात नहीं, बट देखते हैं आगे, दिखाते हैं आपको शॉप्स वगैरह पर जाके कि कैसी है कैसी नहीं। कितने अनार है यार इसमें, देख लो 5-10। बढ़िया चल रही है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पटाखे लेने जाओ और दोस्त भी मिल जाते हैं। क्या हाल है भाई,
बढ़िया किदा ले ले पटाके पटुके पटाके लेने आए हैं कदों आए बेचन आए भाई अच्छा बेचन आए ओ ले ओ देखो सामने बंदा पे ये लेना है भाई और ਵਧੀਆ ਕੈਂਡਲਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਕੀ ਰੇਟ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ 250 ਰੁਪਏ ਸਾਰਾ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਆ ਡੱਬੇ ਡੱਬੇ ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 60 ਰੁਪਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 40 ਰੁਪਏ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ 40 ਰੁਪਏ ਜੀ 35 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਓ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬੰਦ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰਮ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ तो यार ये देखो कोक ब्रांड के पटाखे ये सबसे बढ़िया पटाखे होते हैं कोक ब्रांड इससे बढ़िया पटाखे नहीं मिलते देखो चक्री होती है जो नीचे चलती है आजा 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 ये सनशाइन ब्रांड है इसके पटाखे हैं ये स्काई शॉट होता है यार जो ऊपर जाके चलता है वो यार अनार देखो यार कितने बड़े बड़े ने पंजाबी गल करा अनार देखो कितने बड़े ने और स्काई शॉट भाई वो भी कोक का ही है ठीक है ठीक है सारा माल अपने को कोक का ही अंदर चलो वधिया जी वधिया भैया अनार का डब्बा की रेट वाला कितना टाइम चल रहा है किन्ना टाइम चलता है भाई तो किन्ने का डब्बा भाई ये पूरा हाँ पाँच ये 500 के चार अनार और वो 400 के चार अनार तो यार अभी हम किसी दूसरी शॉप के अंदर एंटर हुए हैं जिसमें सारा कोक का माल है आप देख सकते हो ये भैया की शॉप है अरे भाई हाँ जी भाई दसो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿੰਨੀ ਬੋਲਟ ਬੋਲਟ ਓਕੇ ਸਟਾਰ ਨਾਈਟ ਸਟਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਦੂਸਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਕੋਕ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੈਸ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ 60 ਮਤਲਬ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਕੋਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ खराब नहीं निकल रहे पटाके खराब कोई भी नहीं निकल रहे ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਕੇ 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 ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਦਿਖਾਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਜੈਸੇ ਭਾਈ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਈ ਸ਼ੋਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਕਾਈ ਸ਼ੋਟ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ 300 ਦਾ ਕੋਈ 400 ਦਾ ਕੋਈ 550 ਦਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਓਕੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਤੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਦਾ ਹਾਂ ਇਸਕੇ जो बड़े पटाके भी हैं अभी कोक दई है भाजी हां जी हां जी भी शॉर्ट है ये भी शॉर्ट है जड़ा ऊपर जाके चल रहा है देख लो यार रेसलिंग हीरोज ते भाई तो यार ये है सबसे फेमस मुर्गी बम जिसे बोलते हैं तो ये 500 रुपए का पैकेट किन्ने दा जी है 500 रुपए दा किन्ने पीस हुंदे इहदे च 25 और ये 25 पीस का पैकेट है जो कि 500 रुपए का कोक का और बहुत ही बढ़िया आवाज होती है यार कोक की वैसे तो क्योंकि जो दूसरे हैं वो दूजा रेट की है दूजे का की है
हाँ एक ही रेट था, ये 50 पीस है और इसका रेट इससे कम है 400। अच्छा इसका 400 और 50 पीस होते हैं इसमें। हाँ जी, उससे ज्यादा पीस है और उससे कम रेट है। ठीक है, और मजा भी बढ़िया चलता है, ये भी बढ़िया है। चलो ठीक है, काफी सारा यार सामान है, अगर आपने परचेज करना हो तो जब मर्जी इनकी शॉप पे आना भैया की और परचेज कर लेना। नेक्स्ट टाइम भी होगा सर? हाँ जी, हाँ जी, हर साल होने बस। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कितने नंबर शॉप होंगी है या हर बार चेंज होती रहती है? हर बार चेंज होती है। तो भैया का फेस रह करना ही कर लो आप, या नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका, ठीक है? तो इनसे ले जाया करना पटाखे। कोई मैं एडवर्टाइजमेंट इनकी वो नहीं कर रहा क्योंकि इनके पास कोक है, इसीलिए मैं आया हूँ और भैया का नेचर काफी अच्छा लगा मुझे। तो बेच आ रहे हैं भाई, वाइट दे चल रहा है। पूरा सेट दिया नहीं कर दे। गोप्रो, ये डीजे योस्मा एक्शन है, गोप्रो इसमें है। गोप्रो भी है। आप यूट्यूब देखते हो? तो मेरा चैनल करोगे सब्सक्राइब? तो मेरे नाम, मेरे चैनल का नाम पता क्या है? सुदीप लुधियानवी। ठीक है, सर्च कर लोगे नाम? ठीक है, फोटो आएगी तेरी भी। बाय। तो देखो यार कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अभी तो यार कम है रश, आप रात को आओगे ना शाम से 5 बजे के बाद, है ना भाई? शाम को 5 बजे के बाद, क्योंकि इतना रश होता है ना यहाँ पे कि क्या बताएं। कल रात को भी यहाँ पे बहुत रश था मेरे हिसाब से, क्योंकि दिवाली के एक दिन पहले भी लोग काफ़ी ज़्यादा सामान ले लेते हैं यार। और हमने भाई, हमने तो पटाखे लिए नहीं यार। है भाई, हमने तो पटाखे लिए नहीं। ग्लोबल वार्मिंग है, पोल्यूशन ग्लोबल बाहर की बात है, पहले पोल्यूशन होगा ना, उसके बाद होगी ग्लोबल वार्मिंग। पोल्यूशन होगा तो वही होगा, हाई रिकॉर्ड करता है। हाँ हाँ जरूर करता है यार, तो मास्क पाया शायद काटा वे यार। हमने पटाखे नहीं लिए अभी क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था यार, बस हम निकलने लगे यार घर को। एक्टिवा यहाँ पे लगा रखी है। मेरे लिए भी चढ़ दे। चलो यार चलें, तो व्लॉग को कर देंगे खत्म रास्ते में या घर जाके। इधरों क्यों जा रहे हैं? पार्किंग ला लेनी इधर इन्होंने। तो ये यार, ये हाईवे आता है और ये हाईवे आता है, क्या बोलते हैं इसको, सब्जी मंडी के बिल्कुल, यहाँ पे सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी के बिल्कुल सामने वाली मार्केट में लगती है पटाखा मार्केट, तो यहीं से आके आप ले लेना। ओके, धीरे धीरे भाई धीरे। तो यार होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल का बटन दबा देना और लाइक भी कर देना यार, और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। तो ये मैं शायद हो सके तो जल्दी एडिट करके आज ही अपलोड कर दूंगा, अगर ना कर सका तो माफ़ी, अगर लेट हुआ तो। काफ़ी रात की भी करनी है, रात की भी रिकॉर्ड करनी है, रात में दिवाली कैसे पटाखे चल रहे हैं लुधियाना में, वो अलग व्लॉग डालेंगे। इसको करते हैं यहीं पे बंद, और थोड़ा सा खाने पीने, और थोड़ा, हाँ और खाने पीने, फूड व्लॉगिंग भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं थोड़ी थोड़ी। तो चलो आप सबको हैप्पी दिवाली, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, और पीछे से अगर नॉइस आ रही हो तो उसे इग्नोर करना क्योंकि मेरे पास एक्सटर्नल माइक नहीं है अभी,